दो बहनें, एक ही माता पिता की दो पुत्रियां, दोनों जवान, दोनों की शक्लें एक, लेकिन गुण और स्वभाव अलग अलग। एक गंगा की तरह चंचल, दूसरी जमुना नदी की तरह शांत। दो बहनें।
के बच्चे सुबह सुबह रोज जगाने के लाते है, तुझे और कोई काम नहीं है? हमारा तो यही काम है। सौ बार कहा कि सबको दूध देने के बाद फिर यहाँ आया कर। सभी के बाद तो आवत हूँ। कमाल है, लोगों को दूध पीने के अलावा और कोई काम ही नहीं। कितना दूं? जितना उधार दे सकता है, दे दे दो आधा पाप। अरे पानी का हट तो डाल। खुश खुश राम 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 राम। इस अदा से सोइए जैसे ये मेरा मर्द और मैं इसकी लुगाई। हाय, शादी के 20 साल बाद भी जो की तो दिखाई दे। नारायण नारायण हरि कृष्ण हरि राम नारायण गंगा हरि प्रेम पवित्रो राम 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 हरे कृष्ण हरे राम नारायण नारायण। जय कृष्ण रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम रघुपुलारी ते सदा चले आई प्राण जाए। आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैं तो सुबह सुबह राम का नाम ले रहा था। चलो अब उठी हो तो उठी जाओ। 8 बजे 8 बजे मैं उठी। कौन कहता है आपसे उठने को? मैं तो कह रहा था नौकरी पे जाने का वक्त हो गया है। होटल में पी लूंगा नहीं पीऊंगा चाय कोई हकीम में थोड़ी बताइए। आप 18 बजे उठिए। नमस्ते मुखलाल जी। ओ रमेश नमस्ते। आज फिर घड़ी में चाबी देना भूल गए ना आप? अरे भाई हमारी घड़ी और तेरी चाची बगैर ही चाबी के चलती। तो ऐसा कीजिए दोनों ही बदल डालिए। क्या मजाक करता है, ये भी कोई बदलने की चीज है? हाँ ये बता डॉक्टर साहब लेबोरेटरी में तो नहीं गए? अजी 1 घंटा हुआ चले गए और आपके लिए पूछ रहे थे। ओहो मार डाला। श्यामत आ गई। किसकी श्यामत आ गई मुस्कान जी? भाभी मेरी श्यामत आएगी, देखो ना तुम्हारी चाची मनो नाश्ता बना देती है, खाने में 1 घंटों लग जाती। लेकिन भैया तो कह रहे थे कि आप चाची से बहुत डरते हैं। बगता है वो किस खेत की मूली है? अजी उसी खेत की जिसके आप टमाटर है। क्यों बात नहीं आए मुखलाल जी? जरा पिताजी से नाश्ते के लिए कह दीजिएगा।
बोला ना। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब नमस्ते। ओ नमस्ते नमस्ते मुफ्तलाल, मैं एक ऐसी दवा की खोज कर रहा हूँ जो बुढ़े जवान हो जाए, भीतर शेर से टक्कर लेने लग जाए। बाप बाप जरूर कीजिए। क्या जरूर कीजिए? ये वक्त है तुम्हारे आने का, 9 बज रहे। दरअसल बात ये डॉक्टर साहब, आज मेरी घरवाली ने नाश्ता बनाने में देर कर दी। यही कहना चाहते हो तो नाश्ता यहाँ कर लिया करो। ये दवा ले आओ। डॉक्टर साहब आप नाश्ता कर लीजिए। हाँ जाकर कर लो। What? डॉक्टर साहब बिटिया आपको नाश्ते के लिए बुला रही है। oh, yeah. जाओ मैं काम में हूँ। मुफ्तलाल मैं काम में हूँ। समझा समझा। अरे देखो तेरे इम्तिहान में कितनी देर बाकी। भैया अभी तो 3-4 महीने बाकी। अरे मुफ्तलाल जी पिताजी नहीं आए? मैं जो आ गया। पिताजी नाश्ता नहीं करेंगे? अरे भाई वो करें या ना करें पर मैं नाश्ता जरूर करूँगा। लेकिन आप तो कह रहे थे आप नाश्ता करके आए। तुम्हारी चाची के हाथ में ही कुछ करा बात। नाश्ता करने की देर है, हजम होने में देर ही नहीं लगती। जी वो तो ठीक है, तो और कर लीजिए नाश्ता। लेकिन पिताजी क्या कर रहे हैं? करें ये क्या, वही पुराना रंदा, नीली में काली, काली में हरी, हरी में पीली दवा मिला रहे। वो तो गिरड़ों को शेर बनाने में लगे, जब उनके साथ वाले डॉक्टर रुपया बना रहे रुपया। मुफ्तलाल जी आप कहते तो बिल्कुल ठीक है। मैं गलत कब कहता हूँ? देखो ना फिलू 100 साल में एक बार होता है। डॉक्टर लोगों की तो बात ही जाने दो, इस चक्कर में मेरे साथ जो कंपाउंडर पैदल चलते थे मोटरों में घूम रहे। अपनी अपनी किस्मत है। अच्छा भाई चलता हूँ, दवा लेनी है। लेकिन नाश्ता तो करके जाइए। देर हो रही है, नाश्ता रास्ते में ही कर लूंगा। अरे मुफ्तलाल जी ये प्लेट ले आइए वापस। भाई चाबी बची तो जरूर ले आऊंगा, प्लेट भी कोई खाने की चीज है। Hey, mister, लाएं इधर से। मैं संजय लाएं इधर। आपका रुमाल। थैंक यू। इट्स ऑल राइट। एक्सक्यूज मी आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ? ये 9:45। मैंने आपसे नहीं पूछा जी। किसी से भी पूछिए, वक्त को बदलने वाला नहीं। दो चर्च। आपका टिकट। थैंक यू। सर ऑलराइट। टिकट प्लीज। अभी तो कहा छुट्टा नहीं है यार, इसीलिए मैं टैक्सी में बैठता हूँ। बाबूजी मेरे पास भी 10 का नोट है, एक टिकट मेरा भी ले लो। जी मेरे पास 10 का नोट है, एक टिकट मेरा भी ले लीजिए, नीचे उतर के दे दूंगा। एक और दीजिएगा। कहाँ जाने का सर? कहाँ तो चर्च। शुक्रिया। अजी छोड़िए, ऐसी कौन सी बड़ी रकम है, फिर आप मिलेंगे तो आप भी ले लीजिएगा। नहीं। आप तकल्लुफ कर रही हैं खान साहब। हाँ हाँ क्यों तकल्लुफ कर रही हैं, खाना दो आना कोई लेता है। नमस्ते। नमस्ते। सर मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ चले, लाइए मेरे पैसे। अजी फिर मिलूंगा मैं, आपका टिकट ले लूंगा। अजी फिर मिलने वाले पे लानत भेजिए, आप मेरे पैसे अभी निकालिए। सर मेरे पास 10 का नोट है। अजी मेरे पास छुट्टा है, मेरे पास ध्वनि है तो लाइए। थैंक यू थैंक यू।
सोचा था घरवाली के लिए दही बड़े ले लूंगा, पर उसकी किस्मत में ही नहीं है। अरे तुम्हारी बातों में मेरी बस वाली चली गई। जाइए जाइए, पकड़िए बस वाली। जाता हूँ। हाय राम। माँ क्या हुआ माँ? और क्या होगा, वही सर का दर्द। हाय राम, ये दर्द तो मेरी जान लेकर छोड़ेगा, किसी को मेरी परवाह नहीं, कब से हाय हाय कर रही हूँ। ये दीदी कहाँ गई? दीदी, ओ दीदी, आई मासी। दीदी, माँ का सर फटा जा रहा है और तुम वहाँ जाकर बैठी हो, तुम्हें तो माँ का जरा भी ख्याल नहीं। तुम्हें बड़ा ख्याल है, तू कहाँ गई थी? मैं माँ से पूछकर नाच सीखने गई थी। नाच सीखने गई थी? और मैं सूट घिसने गई थी माँ के सर पर लेप करने के लिए। अरे ये खत्म करो इन बातों को, मेरा सर फटा जा रहा है। वासंती जी माँ, मेरे सर में तेल डाल, लेप कर दूँ? अरे जो मैं कहती हूँ वो कर। अच्छा माँ। अरे चंदन घिस रही है क्या? जरा जोर से थपक। अरे मेरा सर है ये सड़क जो लगी कूटने। दीदी तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। माँ अब देखो मेरे हाथ। मालिश हो रही है, मजे आ रहे हैं। क्यों तुम्हें मजे सूझ रहे हैं? यहाँ सुबह से मेरे सर में दर्द है। तेरे तो हमेशा ही कहीं ना कहीं दर्द रहता है, कभी टांग में, कभी पेट में और कभी सर में, खुद पड़ी रहती है और दर्द घूमता रहता है। जब तक ये लड़की इस घर में घूमती रहेगी दर्द भी यूं ही घूमता रहेगा, इन्हीं का फिक्र खाया जा रहा है मुझे। भगवान जाने कब इनके हाथ पीले होंगे। फिक्र मुझे भी है, लड़कियों की शादी करनी है, गुड्डे गुड़ियों की नहीं। तलाश कर रहा हूँ। तुम तो उम्र भर तलाश करते रहोगे। अरे लड़के पेड़ पर नहीं लगते कि जाऊं और तोड़ लाऊं। 100 बार कह दिया कि तू फिक्र ना किया कर। कहते हैं फिक्र ना किया कर, दिन ब दिन जमाने की हवा बिगड़ रही है। हाय राम। मिस्टर मुफ्फसल। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर पिंटर। डॉक्टर राव, एनिमल जानवरों के डॉक्टर। पर भाई यहाँ तो कोई जानवर है नहीं। अरे भाई तुम तो हो। मैं जानवरों के कहने का बुरा नहीं मानता। आओ आओ, आइए 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 आइए। पहले आप इनसे मिलिए, मिस्टर रघुनाथ माथुर। मैं इन्हें अपने फादर की जगह मानता हूँ। नमस्ते, बैठिए बैठिए। और आपका नाम? मुफ्फसल। काम पब्लिक सेवा, मेरे क्लास फेलो यानी स्कूल के साथ। अच्छा, तो आप दोनों साथ साथ पढ़े? और पेशा भी एक ही है हम दोनों का। जी हाँ, पर मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ और ये है मानो का। अच्छा भाई पिंटो, ये बता ठंडा पियोगे या गरम? भाई अपनी बॉडी कुछ ऐसी नाजुक हो गई है कि कोल्ड से कोल्ड हो जाता है और हार्ट से हीट बढ़ जाती। तो फिर मैं तुम्हारे लिए खड़े का पानी ला। नहीं भाई, अब आया हूँ तो चाय पी के छोड़ूंगा। चाय? हाँ हाँ चाय। अच्छा करता हूँ। हाँ भाई कीजिए। कुछ तो नुकसान हो तुम्हारा, बहुत दिन के बाद आया हूँ। जी जी। आराम कर रही थी? नहीं जरा काम करते करते थक गई थी। क्या चाहिए, क्या काम है? दो मेहमान आए हैं जी। दो प्याले चाय बना दो, दो के तीन मैं बना लूंगा। तीन क्यों, मैं चार प्याले बना देती हूँ। नहीं दो ही। अच्छा अच्छा, डरती क्यों? नहीं कोई हुआ? नहीं
जब बन जाए तो खबर करना। जी अच्छा। अरे भाई पिंटो, तुम्हारी भाभी पूछ रही है तुम यहाँ कैसे अटक गए आज। बात दरअसल ये है भाभी जी, ओ सॉरी, बात दरअसल ये है भाई साहब, हम लोग एक बहुत जरूरी काम से आए हैं आपके पास। कहो कहो। क्या कहें, आप तो जानते ही हैं आजकल लड़कियां अपने माँ बाप के लिए एक प्रॉब्लम यानी मुसीबत बनी हुई है। जी हाँ। पढ़ाइए लिखाइए और फिर दहेज का इंतजाम कीजिए। हाँ, फिर लड़का ढूंढिए। है करेक्ट, एकदम करेक्ट। इसीलिए तो आए हैं हम लोग, हमारे रघुनाथ जी एक नहीं दो लड़कियों के फादर हैं, एक लड़की का बोझ आप उतार सकते हैं। मैं, मेरा इशारा डॉक्टर साहब के लड़के की तरफ है। अच्छा अच्छा, रमेश के। हाँ करेक्ट करेक्ट, दोनों शरीफ खानदानी एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे। मैं कोशिश करूं। भाई कोशिश कर दिया, आप तो नाक के बाल है उस घर के। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप चिंता ना कीजिए, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। आपकी भाभी चाय का इशारा दे रही है, मैं अभी आता। जाइए जाइए, वाह चाय जरूर पियेंगे। यूँ समझिए बड़ी लड़की की बात तो बिल्कुल बन गई। जी हाँ जी हाँ, रही छोटी, उसे भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। नमस्ते, आप मुझे या... जी हाँ आपसे, शायद आप मुझे भूल गए। जी मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो थप्पड़ मुझे अच्छी तरह याद है और जिंदगी भर याद रहेगा। थप्पड़? जी हाँ, आप ही ने मारा था इस हाथ से और इस गाल पर। इस हाथ से और इस गाल पर? जी हाँ। ओह, ए मिस्टर, वो मैं नहीं, मेरी बहन होगी। बहुत खूब, आपको बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला हूँ। माफ कीजिए, अब मैं धोखे में नहीं आ सकता। अजी आप क्या सभी धोखा खा जाते हैं, हम दोनों बहनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। अच्छा, बिल्कुल एक जैसी? हाँ हाँ, रत्ती का भी फर्क नहीं। वाकई कोई फर्क नहीं, बिल्कुल एक जैसी है। लेकिन आपके हाथों में जरूर फर्क होगा। हाँ जी, कहाँ वो सख्त हाथ और कहाँ ये नरम नरम मुलायम। ए मिस्टर, ये लो अपनी दवन्नी। अजी दवन्नी कैसी, अब तो मैं आपसे आपकी बहन का बदला लूंगा। जी हाँ जी, कसम से बहुत जोर का थप्पड़ मारा था उन्होंने, मैंने तो सिर्फ नमस्ते ही की थी। अच्छा, तो अब मैं नमस्ते करती हूँ, मुझे देर हो रही है। लेकिन सुनिए तो सही, मैंने कहा जा रही हैं आप? डांसिंग स्कूल में। वो जो दूसरी गली में है? जी। ओह वेरी गुड, फिर तो रोज मुलाकात होगी। जी माफ कीजिए, मैं पूछना ही भूल गया था कि आप दोनों बहनों की पहचान क्या है। अजी बिल्कुल आसान है, मैं दो चोटियाँ बनाती हूँ और मेरी बड़ी बहन जुड़ा। वसंती वसंती, अरे ओ वसंती। आई मां। सुई में धागा तो डाल दे, बड़ी देर से कोशिश कर रही हूँ। लो मैं बटन लगा देती हूँ। ये धोबी पूरे बटन लेकर जाते हैं और आधे करके लाते हैं। अरे भाई लगा दिए बटन, मुझे जरा जल्दी जाना है। लगा रही है आपकी लाडली। भाई इसमें क्या शक है, मालती तुम्हारी बेटी और वासंती मेरी बेटी, अपनी बिटिया के लिए ऐसा अच्छा लड़का देख रहा हूँ कि दुनिया देखती रह जाएगी। हो गई डॉक्टर से बात की? हाँ भाई, मुफत लाल जी आज सब कुछ ठीक कर देंगे। लो इस खुशी में ये रसगुल्ला खाओ। अजी बस जाने दे। हाँ तो डॉक्टर साहब, फिर क्या ख्याल है मन्नी के बारे में? खानदान बहुत शरीफ है। लड़की देखी तुमने? जी लड़की तो नहीं देखी, लड़की के बाप को देखा है। तंदुरुस्त है, हाथ पैरों से मजबूत है और नाक नक्शा बहुत अच्छा। अरे भाई इसमें हंसने की क्या बात है? मुफ्तलाल जी, तुम लड़की की शादी की बात कर रहे हो या लड़की के बाप की? डॉक्टर साहब, ओहो डॉक्टर साहब, आप मेरा मतलब समझे नहीं। जमीन अच्छी तो खेती अच्छी और बाप अच्छा तो बेटी अच्छा। मुफ्तलाल, अब तो तुम अकी की बात करने लग गए। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ तो फिर कब चलेंगे लड़की देखने? ये रमेश से पूछो। भैया से नहीं, मुझसे पूछिए, कल चलेंगे। कल तो मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम तो हमेशा ही बाहर जाते रहते हो। कोई बात नहीं, आने के बाद चले चलेंगे, लड़का भी यहीं का है, लड़की भी यहीं की है। इस बाग में एक नया फूल खिल गया है आज। कहाँ? तुम्हें नहीं दिखाई देगा वो। क्यों? फूल अपने आप को नहीं देखता, उसे लोग देखते हैं। अच्छा,
तो मैं फूल हूँ और तुम? हम कांटे। बाप रे, फिर तो दूर रहना चाहिए। अजी, हम तो वो कांटे हैं जो फूलों की हिफाजत किया करते हैं। तुम्हारी बातें भी खूब होती हैं। लेकिन तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं होती। फिर लगे बनाना। अजी, बनाया तो आपको भगवान ने है, लेकिन खुशी इस बात की है कि बनाया मेरे लिए। अच्छा, आईना देखा है कभी? अजी, आईना कौन देखे, हम तो इन आँखों में देख लिया करते हैं। मालती, तुम्हारी अंगूठी बड़ी अच्छी है। पसंद है? कहो तो तुम्हारी ये निशानी मैं रख लूं? रख लो। थैंक यू। इसमें नहीं तो इसमें सही। तुम्हारी याद में कभी दिल मचलेगा तो इसे देख के बना लिया करें। अच्छा, अब बंद करो कविता, मैं चलती हूं। अब इतनी जल्दी? हाँ, आज मेरी दीदी को कोई लड़का देखने आ रहा है। अब मैंने कहा मैं कब आऊं देखने? तुम? काली पुरन मासी को। जी जी। बैठिए बैठ। एक नजर देखा गए काम से। चुप, शरीर कहेगी। बेटी ले ले जा, आ गए। चल जा, जल्दी जाना। ले बेटी ले जा। ले आओ बेटी, ले आओ। ये है मेरी बेटी। बड़ी बहादुर बेटी है आपकी। बैठो। आपका नाम क्या है बताइए ना? वसंती, बड़ा प्यारा नाम है। बेटी, चाय बना कर दो। शक्कर मैं डालती हूँ, चाय तुम डालो। लो भाई, ननद अभी से भाभी का हाथ बटाने लगी। क्यों भैया, आज बगैर शक्कर की चाय चलेगी? आपके लिए कितने चम्मच? जी, मैं चाय नहीं पीती। हाँ, कुछ अच्छी चीज नहीं, भूख मार। बेटा, मिठाई नहीं लानी? अभी ला। रघुनाथ जी, जैसा सुना था वैसा ही पाया। बड़ी भोली है आपकी लड़की। और शर्म की तो पोटली है। क्यों, क्या ख्याल है भाई साहब? रघुनाथ जी, मैं अभी हाजिर हुआ। दीदी, मुझे तो बड़ा मजा आएगा। I'm sorry. लीजिए और लीजिए ना, इसमें विटामिन बी है, आपके लिए बहुत मुफीद है, और खाइए। थैंक यू। आप भी लीजिए। अच्छा, आप शर्मा क्यों रही हैं? आप ही का घर है, लीजिए ना। मालूम होता है इन्हें खाने पीने की बिल्कुल आदत नहीं। खैर, जाने दीजिए, आप ही दीजिए। आप भी नहीं लेंगे? अच्छी बात है, हम ही खाए लेते हैं। ये चाय मेरे लिए है। थैंक यू। बड़ी मजेदार चाय है। आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं? बात कीजिए ना। क्या गूंगे हैं क्या? भाई, हम से तो कुछ नहीं रहा जाता। हम तो चले। डैडी, मुकुटलाल जी यहाँ से भाग चलिए तो अच्छा है। हाँ भैया चलो, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल पागल नजर आती है। आज ही जानते, उससे मक्खी कौन निकलेगा।
हमें अपने घर को पागल खाना थोड़ा ही बनाना है। चलो चल देखो। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जहाँ से आए थे। माफ कीजिएगा, हमें आपकी लड़की पसंद नहीं। अभी अभी तो आपको पसंद थी। बात यह है रघुनाथ जी, आपकी लड़की का कुछ पता नहीं चलता। पल भर में उसने वो रंग बदला है कि हम सबके रंग उड़ गए। समझ गया, भगवान ने एक ही शक्ल में दो रंग भर दिए हैं। बेटी वासंती, मालती, नमस्ते। खुश रहो बेटी, मुझे इसी दिन का इंतजार था। ये लो चाबी, अब इस घर की तमाम जिम्मेदारी तुम पर, मेरे सर का बोझ हल्का हो गया। जीती रहो। ये चाबी और ये घर मुबारक। सोचता हूं मैं क्या भेंट दूं मालती। आप मुझे मिल गए, इससे बड़ी भेंट और क्या होगी। तुम्हारी जगह इन कदमों में नहीं, मेरे दिल में है वासंती। तुम्हारे जैसी पत्नी तो किसी भाग्यवान की नहीं मिलती। और आप जैसा पति। भाभी भाभी, क्या है रेखो? कुछ नहीं भैया, कितनी बेवकूफ हूँ मैं, बड़े बेवक्त आ जाती हूँ। सो तो हो ही, इसमें कुछ शक है? मैं बेवकूफ नहीं, वो मुखलाल जी, उन्हें भी यही वक्त मिला था आने के लिए। देखा, पूछ ले, वक्त ना हो तो हम लोग वापस चले जाएं। आइए मुखलाल जी, आइए। क्यों भाई, चाचा जी कहते क्या कुछ शर्म आती है? अच्छा चाचा जी, बधाई। देखो तुम्हारी चाची तुम्हारे लिए क्या भेंट लाई। शर्मा क्यों रही है? कुछ देने आई है, लेने थोड़े ही आई है। इसे बच्चों का बड़ा शौक, लेकिन भगवान इससे कुछ ज्यादा ही नाराज है। क्यों बदनाम कर रहे हो चाचा जी चाची को? अच्छा भाई, सब कसूर मेरा ही सही। वैसे है बड़ी अकलमंद। अजी अकलमंद होती तो शादी आपसे करती। अच्छा भाई बेवकूफ भाई, तू तो बात में से बात निकालता है। फिर भी तुम्हारे लिए तो शुभकामनाएं पेश ही ले आई है। तो संभालो। बस चाचा जी, शुभकामनाएं आप रख लीजिए ना। अरे भाई तुम्हारे लिए। Oh,
किस्मत का ये खेल देखो, खेल देखो, बात ही बात में, एक ही रात में भूल गई मैं तुम्हारी दुल्हन। सुनिया प्यारा है अपना शादी के बाद तुम्हारे काम आएगा। सैया सैया प्यारा है अपना मिलन, प्यारा है अपना राजो जी। क्या हो रहा? आलू काट रही हूँ, आपके लिए पकौड़ी बनाऊंगी। अरे ये क्या रोज रोज पकौड़ी छकौड़ी जलेबी गुलाब जामुन बनाती हो मेरे लिए? फिर किसके लिए बनाऊं? दुनिया में स्त्री के लिए पति ही तो सब कुछ होता है। ओहो, तो ये बात आ गई तुम्हारी समझ में? जूता उतार दो। रहने दो रहने दो, आजकल तुम जरा ज्यादा ही पति भक्ति करने लगी हो। कर लेगी चाहिए। आज मैं तुम्हें पहलवानी दिखाऊंगा। पहलवानी? क्या कसूर हो गया मुझसे? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अगर भूल चुप में मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कीजिए। आज मैं तुम्हें अखाड़े में ले चलूंगा। अखाड़े में? वहाँ बड़े बड़े पहलवानों की कुश्ती होने वाली है, वहाँ देखना मेरा जलवा। देखूंगी जरूर देखूंगी। अरे क्या देखोगी जाने भाई, मन समझती आप? बनी सॉरी तुम। अरे तो चप्पल तो पहन के आओ, नहीं तो मेरे कंधे पे चढ़ के चलोगी। जाओ जा रही हूँ। जाओ जल्दी आओ। कुछ मेरा तो ख्याल कीजिए। अरे जब तुझसे लड़ सकता हूँ तो इस पर आंसर कुछ नहीं।
दिनों से तुमने मुझे कोई खत नहीं लिखा। मालूम होता है तुम मुझे भूल गई हो। तुम देखिए दूसरों का खत नहीं पढ़ते। अजी मैं पढ़ नहीं रहा था, मैं तो ये देख रहा था कि टाइप है या प्रिंट। कितना खूबसूरत लिखती हो तुम, ऐसा लगता है कागज में मोती बिखेर दिए। मुझे इनाम मिल चुका है सिलेक्ट पर, तो बस आज से मेरे प्राइवेट खत तुम लिखा करो। मंजूर, लेकिन खत लिखने की तनख्वाह क्या होगी? यानी कि पगार। अजी ये रहा हार, ये देखिए कितना सुंदर हार। वसंती ये हार नहीं मेरा प्यार है, जो जन्म जन्म तक तुम्हारे गले में रहेगा। पिंटो मैंने बहुत देखे। तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरा दिल तप तप कर रहा है। क्यों? अगर उसने पिताजी से कह दिया तो बहुत अच्छा होगा, हमें कहने की जरूरत नहीं रहेगी और बड़े मजे में शादी हो जाएगी। अगर शादी ना हुई तो घर से भाग जाएंगे। और अगर घर से नहीं भाग सके तो दुनिया से भाग जाएंगे। मरने के बहुत रास्ते हैं, जहर, रेल की पटरी, कुएं। ये भी रास्ता है। आप सुनिए बात तो, सुनिए लेकिन सुनिए बात तो। मैं कैसन कहूं कि घर चल तू। कैसन अब जाना तो घर से बाहर। अरे टांग तोड़ दूंगा तेरी, खाल खींच लूंगा। क्या हुआ? अरे ये पूछ के क्या नहीं हुआ, ये सब तेरे लाख प्यार का नतीजा है। हर जगह मेरा साथ लेते, ऐसी औलाद का मर जाना ही अच्छा है। पिताजी मैं यहाँ भूख और प्यास से तड़प तड़प कर इसीलिए जाया करती थी घूमने, देखता हूँ अब कैसे जाती। लेकिन बताओ तो सही बात क्या है? अगर तूने दरवाजा खोला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जिन हाथों से पाला है उन्हीं हाथों से इसका जगह घोट दूंगा। कुछ बताइए तो सही क्या हुआ? मुझसे कहती थी कि सहेली के यहां जा रही हूँ और वहां क्लब में डांस कर रही थी, बाग में एक आवारा लड़के के साथ आवारा बन रही, उसके हाथ में हाथ डालकर घूम रही थी। जरा धीरे बोली, कोई सुन लेगा? अरे तू सुनने को कहती है, वहां सारी दुनिया देख रही थी। अच्छा अच्छा चुप हो जाइए, मैं उसे समझा दूंगी। अब वो कहीं नहीं जाएगी। जाएगी कैसे, पैर तोड़ दूंगा उसके। समझा क्या है उसने? क्यों रे, किस लड़के के साथ गई थी घूमने? कौन था वो? मैं पूछती हूँ कौन था वो? अनोखे। कौन अनोखे? क्यों गई थी उसके साथ? वो मुझसे शादी करना चाहती थी। मुझसे शादी करना चाहती? बेशर्म कहीं, तू कौन होती है शादी करने वाली? हम तेरी शादी करेंगे, तेरा बाप तेरी शादी करेगा। जबान खींच लोगी जो मुंह खोला तो। बेशर्म कहीं मां। मालती बेटी, भले घर की लड़कियों को यह हरकतें शोभा नहीं देती, चलो फिर कभी ना मिलना उसे। चल भाई। वाह, जब से तुम आई हो टाइगर की ऐश हो गई।
तू इसे नीचे ले जाकर खाना खिला दे। अच्छा मालकिन। भाई भाई ये कमाल किया तुमने, मुझे और अपने आप को दूर से टांग दिया और अपनी बहन को नीचे। खैर ठीक ही किया, बड़ी शरीर न जाने कब कूद पड़े ऊपर से। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, बड़ी चंचल। चंचलता तो औरत का गहना होता है, इतना फर्क है तुम दोनों में। बिल्कुल फर्क नहीं। बहुत बड़ा फर्क है, मालती लहराती हुई गंगा है। और मैं? तुम तो खामोश जमना हो। अच्छा अच्छा अब छोड़ो इस कविता को, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार है। देखो भाई ये बात मुझे खूब पसंद है, सारा दिन काम करता हूँ और यही सोचता हूँ कब शाम हो, कब घर जाऊँ, कब अपनी वसंती से प्यार की बातें करूँ, और तुम हो के आते ही खाने का चक्कर शुरू कर देते। तुम कहती हो तो खा लेता हूँ। आइए पहले ये डॉक्यूमेंट संभाल कर। मेरी नजर शिकारी, ऐसी लागो प्यारी प्यारी जैसे फुलवारी, वो तो प्यारी।
चलू रे मैं तो हुस्न मेरा आला भाई भाई हुस्न मेरा आला ओ महाराष्ट्र का हमर्द सिपैया मेरा है रखवाला भाई भाई मेरा है रखवाला देखो रे देखो मैं हूँ नंद खटवाला देखो रे मैंने नैन में गजरा डाला भोली भाली जानू नहीं मैं हूँ नखरे वाली फूलों से मैं किए पर खुद पछताएगी रो नहीं चार रोज हो गए हैं समझाते हुए मगर सुनती ही नहीं समझ लो कि मालती हमारे पैदा ही नहीं अगर मैं ये जानती कि वो ऐसे निकलेगी पैदा होते गला घोंट देती उसका देखो तो बेटा कौन है बाबूजी से पूछकर आई थी अपनी बहन के कर्मों पर पर्दा डालने के लिए चलो मेरे साथ मैं तुम्हें एक मिनट नहीं ठहरने दूंगा इस बदनाम घर में धीरे बोलो भगवान के लिए धीरे बोलो मेरे माँ बाप घर में ही वो सुन रहे होंगे सारी दुनिया में ढिंढरा पिटका और नहीं सुना ऐसा ना कहो वो बेचारे खुद बहुत दुखी है उनका क्या कसूर एक मछली सारे पानी को गंदा कर देती है मैं तुम्हें इस गंदे पानी में नहीं रहने दूंगा मेरे सुनो तो अगर मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे साथ चली गई तो उनका दिल टूट जाएगा मेरे सिवा अब और कौन है उनका तीन दिन से भूखे पड़े थे बेचारे मैंने ही आकर खाना खिलाया है मेरे यहाँ रहने से धीरज बना रहेगा दस बारह रोज में चली आऊंगी वो सब ठीक है बसंती लेकिन लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि तुम जा रहो मैं जल्दी आ जाऊंगी सुनिए पिताजी से नहीं मिलेंगे फिर मिलूंगा हाथ निकाले और मुंह भी काला तू क्यों बैठी है यहाँ तेरा भी किसी के संग भागने का इरादा है अजय कैसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो मैं तो आपका इंतजार कर रही थी मेरा इंतजार अंदर बैठकर नहीं हो सकता था उल्लू बनाती है चल अंदर मुझे सब पता है जमाने में कहां क्या हो रहा है आप नाराज क्यों हो रहे हैं औरत का कोई भरोसा नहीं बैठ गया एक बात बताएगी और तू क्या बताएगी कभी किसी के संग भागी होती तो बताती तो अब भाग जाऊं आईने में मुंह देखा है तुझे सिर्फ एक ही आदमी भगा सकता है कौन है वो मरा फिर तोड़ दूंगी उसका तोड़ दे सर बैठा हूँ तेरे सामने अजय भागने भगाने कैसी बातें कर रहे हैं ना जाने ये लड़कियां क्या सोच समझ कर भाग जाती हैं इस तरह
ना माँ बाप का ख्याल, ना खानदान की इज्जत का ख्याल। जब मोहब्बत का भूत सर पर सवार होता है तो भला बुरा कुछ समझ में नहीं आता। मोहब्बत मोहब्बत कुछ नहीं, ये जवानी का झूठा नशा है, झूठा नशा। और ये नशा थोड़े दिन बाद उतर जाता है। घर छुड़ाने वाला घर बसाया नहीं करता, उजाड़ा करता। मुझे थोड़े से पैसे दो, किसी आदमी नौकरी के लिए बुलवाया है। अच्छा ये लो। इतने रख लो ना। अच्छा सुनो, जरा जल्दी आना। अजी हमारा तुम्हारे बगैर दिल ही कहाँ लगता है, लेकिन मजबूरी है, नौकरी की तलाश में जाना ही पड़ता है। अच्छा टाटा। बाय बाय। वाह वाह चमेली भाई की बात है। अरे जा हो जा मैं बाज आई ओ सैया तेरे प्यार से, जा मैं बाज आई ओ सैया तेरे प्यार से, दिल ना लगाऊं मैं बेईमान यार से, दिल ना लगाऊं मैं बेईमान यार से, बाज आई ओ सैया तेरे प्यार से।
आज तो अनोखे तुम ये कहना चाहती हो कि मैं शराब पी कर आया हूँ? क्यों पी तुमने शराब? पी नहीं भाई, दोस्तों ने पिला दी, होठों से लगा दी। लेकिन तुमने पी क्यों? बताओ क्यों पी तुमने शराब? अरे तुम मुझ पर रोब जमा रही हो, मुझे अपनी मुट्ठी में बंद करके रखना चाहती हो, तुम मुझे अपने इशारों पर नचाना चाहती हो? अनोखे मैं तुम्हें गलत रास्ते से रोकना चाहती हूँ। बहुत खूब, खुद गलत रास्ते पर चल रही हो और मुझे रोकना चाहती हो। अनोखे मालती मेरे पास बताओ, तुम आज बहुत अच्छे लग रही हो सच। अनोखे कसम खाओ कि फिर तुम कभी शराब नहीं पियोगे, खाओ कसम। मालती शराब के साथ कसम नहीं खाई जाती, मुर्गी खाई जाती है मुर्गी। देख मैं एक चीज लाऊं, थोड़ी सी तुझे ही पिलाऊंगा, जा मुर्गी ला जा। मैं लाऊंगी, मैं तुम्हें शराब नहीं पीने दूंगी। तुम नहीं पीने देगी, छोड़ दो मुझे। मैं पीऊंगा शराब, छोड़ दो मुझे। मैं कहता हूँ भगवान छोड़ दे। साहब चाय रख दो टेबल पे। चाय पी लो, अगर तुम्हारा गुस्सा नहीं होता। मैं गुस्सा करके तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगी? ये तो मैं नहीं जानता। हाँ ये सच है कि तुम्हारे मुस्कुराने से मेरी जिंदगी मुस्कुरा सकती है। तुम्हारी खुशी नहीं तो मुझे खुशी दी है मालती। मैं कसम खाता हूँ फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा, जो गलती कल कर बैठा फिर कभी नहीं कराऊंगा मालती। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैंने शराब अपने सुख के लिए नहीं पी बल्कि अपना दुख भूलने के लिए पी। जब मुझे अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आया तो मेरा कलेजा जल उठा। कलेजे की आग बुझाने के लिए मैंने शराब पी ली, शराब पी ली। क्या दुख था तुम्हें, मुझसे क्यों नहीं कहा? तुमसे ना कहूं इसीलिए तो शराब पी थी, तुम्हें तो मैं मुंह भी नहीं दिखाना चाहता था। कमबख्त शराब खींच लाई मुझे, इस उम्मीद से गया था घर से कि नौकरी मिल जाएगी, शादी कर लूंगा। लेकिन शैतान ने रिश्वत के पूरे 2000 रुपए मांगे मुझसे। कहां से दूर रिश्वत, मेरे पास रखा ही क्या है। मेरे पास हैं 2000 रुपए के गहने। मालती क्या कह रही हो तुम, नौकरी के लिए तुम्हारे गहने बेच दूं? लानत है ऐसी नौकरी पर। दुनिया वाले शादी करने के लिए गहने बनवाते हैं और मैं शादी करने के लिए तुम्हारे गहने बेच दूं? मेरा गहना तो तुम हो अनोखे। मालती हाँ, नौकरी मिलने पर बनवा देना मुझे नए गहने। मेरा कहना मानो, इसी वक्त के लिए तो होते हैं जेवर। लो मालती।
शोभा नहीं देती। चलो फिर कभी ना मिलना उससे। क्यों आया तुम्हारा आदमी? आदमी नहीं तो पैसा आया होगा। आदमी भी नहीं, पैसा भी नहीं, तो फिर ये होटल भी नहीं। मेरा बिल चुकाइए और बिस्तर उठाइए। मैनेजर साहब, मुझ पे रहम खाइए। रहम खाता रहूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? भगवान के लिए दो दिन और। दो घंटे भी नहीं, टू मच। कहां से आई हो? नो जवाब। कहां की रहने वाली हो? नो आंसर। टू मच। साल समझ रखा होटल को, खाते रहो पड़े रहो, टू मच। रूम नंबर 6, मिस्टर रघुनाथ माथुर, 252 चर्च स्ट्रीट, बॉम्बे। हेलो, फोनोग्राम। देखिए, मैं पैरामाउंट होटल से बोल रहा हूँ, एक फोनोग्राम ले लीजिए। मिस्टर रघुनाथ माथुर, यस रघुनाथ माथुर, 252 चर्च स्ट्रीट, बॉम्बे। पिताजी, 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 मालती का पता चल गया। कहाँ है वो? वो अभी तक जिंदा है। हम आज ही दोपहर की गाड़ी से उसे लेने चलेंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं उसकी सुनत तक नहीं देखूंगा। तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? तेरे सीने में तो दिल है। तू चली जाओ उसे लेने। हाँ हाँ, जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मैं माँ हूँ उसकी। माँ है तो चली जा। बोल रही हूँ, इसने छोड़ा ही कहाँ है मुझे बोलने के लिए। माँ, इसे माफ कर दो, इससे भूल हो गई। इसने कोई भूल नहीं की। औलाद कभी भूल करती? भूल तो माँ बाप करते हैं,
ये जानते हुए कि उनकी औलाद नालायक आवारा है, फिर भी उसका साथ देते हैं, उसके पीछे मारे मारे फिरते हैं। मालती, जा माँ से माफी मांग, जा बहन। छोटी बेटी मालती, मालती चलो अच्छा ही हुआ, वरना मालती की जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती। मर गई मालती? वेरी गुड, अनोखा जवाब नहीं तुम्हारा। मालती को हमसे छीन लिया, भगवान को यही मंजूर था बसंती बेटा। ये बसंती नहीं, मालती। बसंती कहाँ है? बसंती मर गई। बसंती मर गई और तू इसे मेरे घर ले आई? अब मालती बसंती है, मैं मालती की बदनामी को बसंती की चिता पर जलाकर खाक कर आई। वो बसंती की मांग का सिंदूर मालती की मांग में भरूंगी मैं। क्या पक रही है तू? ये कैसे हो सकता है? अब तो यही होगा, मैं इसकी आंखों में बसंती की नजर डाल दूंगी, मैं इसके चेहरे पर बसंती की मुस्कुराहट बिखेर दूंगी, जो देखेगा धोखा खा जाएगा, फंस जाएगा तेरे फरेब के जाल में। बेवकूफ, झूठ पर सच की तय जमाने से झूठ सच नहीं बन जाता, नाम बदलने से इंसान नहीं बदल जाता। तू इसे कैसे ही कपड़े पहना दे, इसका शरीर यही रहेगा। तू इसे गहनों से सजा दे मगर इसकी शक्ल यही रहेगी। तू सारी दुनिया को धोखा दे सकती है मगर अपने आप को धोखा कैसे देगी? तू अपनी अंतरात्मा को क्या जवाब देगी? खामोश कर दूंगी उसे, कुचल दूंगी उसे। दम घुट जाएगा तेरा। मालती जी जाएगी, ये दर दर की ठोकरों से बच जाएगी। आज सारे दरवाजे बंद है इसके लिए। और तूने ये धोखे का दरवाजा खोला है इसके लिए? मैंने नहीं, भगवान ने, माँ की ममता ने। मैं अपना गला घोट सकती हूँ लेकिन अपनी ममता का गला नहीं घोट सकती। मेरे चाहे जन्म जन्म बिगड़ जाए लेकिन इसका जन्म सुधर जाए। इसका जन्म शमशान बन जाएगा, इसका जीना मरने से बदतर हो जाएगा। इससे तो अच्छा है कि तू अपने हाथों से इसका गला घोट दे, किसी कुएं खत्ती में धकेल दे इसे। तुम इंसान नहीं पत्थर हो, कौन सा दिल है जो इस बेबसी को देखे और न पिघले, कौन सी आंखें हैं जो इस मायूसी को देखे और न रो दे। बाप तो बाप, दुश्मन का दिल भी पिघल जाए मगर तुम्हारा दिल। बसंती की माँ, तूने माँ का दिल देखा है, बाप का दिल नहीं देखा।
मैं भी इसे तेरी तरह प्यार करता था, मेरा दिल भी इसकी भलाई चाहता था, मेरी आंखें भी इसके सुख की खोज में लगी रहती थी, मगर इसकी बहकी नजर ने मेरी आंखें बदल दी, इसकी काली करतूत ने मेरे दिल में आग लगा दी, इसने अपने बाप की उम्मीदों के महल तोड़ दिए। मैं क्या क्या सोचा करता था इसके लिए। अब तो सिर्फ यही सोचो कि मालती वसंती बन जाए, वसंती का सुहाग मालती को मिल जाए। पागल हो गई हो क्या, बिना कन्यादान के वसंती दान कर गई है अपना जीवन मालती को। वसंती की जरा सोचो, धीरज से काम लो, शायद भगवान ने एक सी शक्लें इसी दिन के लिए बनाई थी, संजोग ने वसंती को इसीलिए उठा लिया, ममता ने यही करने पर मजबूर किया। तुम किस किस से लड़ोगे, भगवान से, संजोग से, ममता से, ये सब मालती के साथ, तुम भगवान के लिए आप भी उसके साथ हो जाइए। मैं आपसे मालती की जिंदगी की भीख मांगती हूँ, मालती के सुख की भीख मांगती हूँ, ये कैसी भी है हमारी बेटी, इस पर दया कीजिए, इस पर दया कीजिए। मालती की माँ, शरीर को खराब कर देता है। इसी तरह बुरा इंसान अपने तमाम रिश्तेदार और खानदान को बदनाम कर देता है। अच्छा हुआ मालती मर गई, वो हमारी वसंती के लिए भी कलंक का टीका थी। पिताजी मेरा तो कॉलेज का टाइम हो गया, अब मैं चलती हूँ। अच्छा पिताजी, भाभी आ गई। भाभी, भाभी बड़ी देर कर दी तुमने आने में, हम लोग सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। भैया तो अभी अभी चले गए बाहर। जीती रहो बेटी, मुझे तुम्हारी बहन का अफसोस है, लेकिन क्या करना, भगवान की ही मर्जी थी बेटी। भगवान ने थोड़ी कहा था कुएं में कूद पड़ो, घर से भाग जाओ। अच्छा अच्छा जाओ बेटी, आराम, मैं लैब जा रहा हूं। भाभी लो संभालो अपनी चाबियां, मैं कॉलेज चली। हाँ भोला ऊपर तुम्हारे कमरे में है। राम राम बहू जी। राम राम। आदमी भला हो या बुरा, दुख तो होता ही है, मुझे मालती के मरने का बहुत रंज है।
जिसे भौंकता है पहचानता नहीं, मालकिन है। अरे 8 दिन तक खाना खाया है इनके हाथ से और भूल गया, पागल कहीं का। चला मेरे साथ, चला। कब आई हो तुम? अभी 5 मिनट हुए। कितनी दुबली हो गई हो 15 दिनों में? नहीं तो अभी तक कम है मालती का। बसंती, सच पूछो तो उस नालायक लड़की का मर जाना ही अच्छा। वो तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हारे खानदान की सफेद चादर पर लगा हुआ एक धब्बा है। अच्छा ही हुआ छूट। अरे हाँ, वो डॉक्यूमेंट दिए थे ना मैंने, वो जरा निकाल दो। डॉक्यूमेंट? हाँ हाँ, तुमने तो रखा था उसमें। भूल गए? अजी वो सलमारी में रखा है। अच्छा तुम निकालो, मैं तेरा मुंह हाथ धो के आता हूँ। बस थोड़े से दिनों में ये भी भूल गए कि चाबी कौन सी अलमारी की। बसंती, मुझे तो डर लगता है कि अगर 1-2 साल तुम्हें मुझसे भी अलग रहना पड़े तो शायद मुझे भी भूल जाओ। देखो ये है चाबी, ऐसे। अरे हाँ बसंती, मेरे एक दोस्त ने हैदराबाद से तुम्हारे लिए चूड़ियां भेजी, लाओ पहना दे। माँ ने कहा है जब तक बहन का 40वां ना हो जाए कोई नई चीज ना पहन। अच्छी बात है, फिर ना रख लो, बाद में पहन लेना। अच्छा मैं जाता हूँ। और सुनो, मैं शाम को ज्यादा देर से आऊंगा, तुम लोग खाना खा लेना। और देखो भगवान के सामने किसका जोर है, ये रोना मत छोड़ो। नहीं वासंती है, मालती मर चुकी, अब तू ही वासंती है। तुझे इस घर में वासंती बनकर रहना चाहिए, इसी में तेरी भलाई है,
इसी में तेरी भलाई है। खेलते तुमसे। क्यों? तुम्हारे सामने हम ठहर नहीं सकते, बहुत अच्छा खेलती है। नहीं, एक गेम और। नहीं, अब 10 बजने को है और सुबह मुझे बोटिंग को जाना है। और हाँ, अब तुम भी जाओ, भैया इंतजार कर रहे होंगे। चलो ना, एक गेम और। नहीं भैया, मुझसे लड़ेंगे। हाँ जाओ, उनको बहुत इंतजार होगा तुम्हारा। गुड नाइट। जी मैंने कहा अब आ भी जाइए। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इस्तराब, क्या लुत्फ आ रहा है तेरे इंतजार में। मैंने कहा हजूर, नींद 80 मील की रफ्तार से आ रही है, अगर आपके खूबसूरत हाथों को तकलीफ नहीं हो तो जरा बत्ती गुल कर दीजिए। जी सरकार, मैंने तो बत्ती गुल करने के लिए कहा था, आप तो खुद ही गुल होने लगी। ऐसी भी क्या बेरुखी है? मैंने सुबह कहा था, माँ ने कहा है जब तक बहन का 40वां ना हो जाए। अलग सोने को कहा है? जी हाँ, जमीन पर। ओहो, दुनिया बदल गई मगर ये रस्म और रिवाज नहीं बदले। ठीक है साहब, सुनिए, यही कहीं सो जाइए ना। नहीं, मैं अंदर सोऊंगी। अच्छा साहब, वहीं सो जाइए। चल मेरे पास सो जा। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, तुम जाकर सो जाओ।
झुक झोला खाए झुक झुक झोला झुक झुक झोला खाए बदरिया झुक झुक झोला खाए सावन की ऋत आए रे मेरो धीरज छूटो जाए हाय हाय धीरज छूटो जाए झुक झुक झोला खाए झुक झुक झोला झुक झुक झोला खाए झुक झुक झोला चंचल झोंके चंचल झोंके ओ हाय मेरे मन बिच हो मेरे मन बिच धुक धुक होए ते जियरा झोंके ओ जियरा झोंके ओ कितना अच्छा हो सखी जो ऐसे में कोई आ जाए सावन की ऋत आए रे मेरो धीरज छूटो जाए हाय हाय धीरज छूटो जाए देखो रे देखो कौन दूर पे गाए रे देखो रे देखो कौन आज ललचाए रे काहे नजर मेरी चकराए क्यों मेरा मनवा उड़ उड़ जाए कुछ भी नहीं समझ में आए रे ओ आजा रे आजा ओ परदेसी आजा रे आजा ओ परदेसी क्यों मुझको तरसाए सावन की ऋत आए रे मेरो धीरज छूटो जाए हाय हाय धीरज छूटो जाए झुक झुक झोला खाए रे बदरिया झुक झुक झोला खाए सावन की ऋत आए रे मेरो धीरज छूटो जाए हाय हाय धीरज छूटो जाए आज मेरी जिंदगी किसी के तो काम आई घबराइए नहीं अब आप खतरे से बिल्कुल बाहर हैं आपने मेरे पर बड़ा एहसान किया अजी एहसान तो भगवान ने मुझ पे किया जो इतनी कीमती जान बचाने का मौका मुझे दिया मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं बहुत आसान है बस मुझे भूलिएगा नहीं भला मैं कैसे भूल सकती हूँ अगर आप ना होते आज तो ये एक्सीडेंट ही ना होता क्यों इसलिए कि कुदरत को मुझे आपसे मिलाना था ये तो सब बहाने हैं मेल मिलाप के कहाँ से आप आई कहाँ से मैं आया और मुलाकात हुई तो पानी के बीच में वो भी डूबते हुए अगर आज डूब जाते तो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए तो स्वर्ग पहुँच जाते खैर आप साथ हैं तो मेरे लिए नरक भी स्वर्ग है चलिए उस पुल से चलेंगे जी तुमने क्या लिखा पहले तुम बता तुमने क्या लिखा पहले तो तो देखो देखो अनोखे रेखा वसंती जरा मेरी इस चिट्ठी का जवाब लिख दो बैठो
मैं लिखूं? तो क्या मैं लिखूं? मैम साहब मेरे प्राइवेट खत लिखने की तनख्वाह पेशगी ले चुकी हो जी। मेरे अक्षर अच्छे नहीं है। देखो इस बहाने में कोई दम नहीं, उन मोती जैसे अक्षरों को देख के तो नौकरी दी थी। चलो बैठो। शाबाश शाबाश। हाँ तो लिखो। श्रीमान करुणा शंकर जी, आपकी चिट्ठी मिली पढ़कर बड़ी खुशी मिली। आपने सौदा मद्रास में किया है वो बहुत ही अच्छा। मैं तो बहुत जल्दी बोल गया। अच्छा ऐसा बोलता हूँ, अब लिखो। श्रीमान करुणा शंकर जी, आपकी चिट्ठी मिली पढ़कर बड़ी खुशी हुई। आपने जो सौदा मद्रास में किया है वो बहुत ही, अरे ये तुमने लिखा है? वासंती एक बात पूछूं, तुम वही हो या कोई और? नहीं तुम बिल्कुल वो नहीं हो, अब बदल चुकी हो। अरे बाएं हाथ से लिख रही हो? तभी चुप हो। मेम साहब हमी से मजाक, तो दाएं हाथ से लिखो वरना आज ही पगार काट लूंगा। तो लिखो। क्यों रमेश, मातम कुर्सी की चिट्ठियों का जवाब दे रहा? मालती के मरने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, और तुम्हारी चाची पर तो पहाड़ ही टूट पड़ा। कल से कह रही थी बहू को दिलासा देने चलूंगी। अरे तू दिलासा देने आई है या दिलासा लेने आई है? चुप कर, क्या हो गया है तुझे? इस पीढ़ी बढ़ाती जा रही है पट्टी। जी मैं चलता हूँ, मुझे काम। भैया मैं भी चलता हूँ, मुझे भी काम। बाबू अपनी चाची को खाना वाना खिला देना, कल से इसने कुछ नहीं खाया। किटप टाइगर, किटप किटप टाइगर, किटप किटप। इतनी दवा पीने के बाद भी कोई असर नहीं, आज कोई असर नहीं। टाइगर किटप, किटप टाइगर किटप। आज इसमें कोई असर नहीं, नो हो। इस दवा में कोई ताकत? इस दवा में ताकत है? नो 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 नो, इसमें सिर्फ दो घंटे की ताकत थी, वो भी बार बार पिलाने से घटते घटते आज बिल्कुल खत्म हो गई। फेंक दो इस दवा को, फेंक दो, तोड़ दो इन बोतलों को, आग लगा दो इस लैब में। मुझे मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। ताले खा दो, ताले खा दो, ताले खा दो। ताला लगाने की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब, और एक्सपेरिमेंट करेंगे। नहीं 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 मुफ्फलाल, कुदरत से लड़ना इंसान का पागलपन। जिंदगी मौत में बदलती है, लेकिन मौत जिंदगी में नहीं बदल सकती। जवानी बुढ़ापे में बदलती है, लेकिन बुढ़ापा जवानी में नहीं बदल सकता। कुदरत हमें बदलती है, लेकिन हम कुदरत को नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। बचपन जवानी बुढ़ापा जन्म मरण ये सब अटल है, अटल। पतलाल जहाँ बरसों की मेहनत बर्बाद होने का गम है हमें, वहां इस बात की मुझे खुशी है कि आज मैंने असलियत को पहचान लिया है, असलियत को पहचान लिया। असल असल है और नकल नकल, मुफ्फतलाल असल असल है और नकल नकल, असल असल है और नकल नकल। क्या बात हुई? कुछ नहीं, ये डॉक्टर साहब एक ताकत की दवा बना रहे थे, वो फेल हो गई। थोड़ी देर के लिए उससे ताकत तो जरूर आ जाती थी, पर कायम नहीं रहती थी। तुम्हें तो पता ही है, दो चार बार मैं भी उसका इस्तेमाल कर चुका हूँ। तो अब समझी कि वो पहलवानी दवाई के जोर पर दिखाई जा रही थी। आज पता चला असलियत का कि असल असल है और नकल नकल है। क्या असल असल है और नकल नकल है? दरअसल डॉक्टर साहब जो गुर नहीं पकड़ सके ना, वो मैंने पकड़ लिया। दवा बवा से कुछ नहीं होता, मर्द उतना ही जवान है जितना वो महसूस करे। चल घर चल, क्या करने की घर। और नकल नकल, असल असल है और नकल नकल, और नकल नकल, असल असल है और नकल नकल, असल असल है और नकल। Thank you.
बेटी। माँ, तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? इस घर के फर्श पर अंगारे बिछे हुए, यहाँ की छांव मेरे लिए छांव नहीं, कड़कती हुई धूप। हिम्मत से काम ले बेटी, यहाँ की धूप भी तेरे लिए छांव है, और जिन्हें तू अंगारे समझ रही है वो तेरे लिए फूल है। बसंती के लिए फूल थे, बसंती के स्वर्ग में मैं सांस भी नहीं ले सकती। मुझे यहाँ से ले चलो, भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले चलो माँ। बेटी, पीतल सोना नहीं बन सकता माँ, पीतल सोना नहीं बन सकता। मुझसे गलती हुई है बेटी, अब इस भूल का कोई सुधार नहीं। कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता। अब तू मालती नहीं बन सकती। तू इस घर में वसंती बनकर आई है, अगर तू मालती बनकर चली गई तो लोग कहेंगे वसंती भी भाग गई। दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी, लोग तेरे बाप का जीना मुश्किल कर देंगे। बहुत बुरा किया है मैंने, लेकिन मैं क्या करूं माँ? आंखें बंद चलना सीख, भूल जाके तू मालती है। अब इन आंखों में खुशी और इन होठों पर हंसी खेलनी चाहिए माँ। इस गम को मुस्कुराहट में छुपा ले, जीने का यही एक रास्ता है। मुस्कुरा मेरे लिए, मुस्कुरा मेरी भूल को सुधारने के लिए, मुस्कुरा मुस्कुरा बेटी, मुस्कुरा। भाभी यहाँ आओ। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। और मेरे ये कान के बुंदे? बहुत अच्छे। कहीं जा रही हो क्या? नहीं तो मैं तो तुम्हारे ही पास आ रही थी। भाभी आज तो वो गाना सुना दो। गाना? हाँ वही जो उस रात तुम गा रही थी। कौन सा गाना? अरे वही जो तुमने मुझे लिखवाया था, बहुत अच्छा गाना है। नहीं याद आया? मेरे पास अब तक लिखा रखा है, अभी निकालती हूँ। यहाँ तो नहीं है, मालूम नहीं कहाँ रख दिया। अलमारी में देखती हूँ। ऐसा जान पड़ता है जैसे धरती और आकाश के चांद में मुठभेड़ हो रही है। जी घबराओ नहीं, जीत तुम्हारी है। उस चांद के चेहरे पर तो दाग है, लेकिन मेरा चांद बिल्कुल बेदाग है। भाई ये बात हमें बिल्कुल पसंद है। वो गूंगा चांद तो हंस रहा है और हमारा बोलता हुआ चांद खामोश। तुम भी हंसो मेरे चांद, हंसो ना। अगर इस मुस्कुराहट में गुनगुनाहट मिल जाए तो बस बाहर आ जाए। वसंती आज फिर वही गीत सुना दो, याद है? यही चांद था, ऐसी ही चांदनी रात थी। तुम थी, मैं था, और तुम्हारे होंठों से बरसता हुआ मधुर संगीत। गाओ ना आज वही गीत। गीत? हाँ। लेकिन मुझे बहाने ना बनाओ बसंती, मैं वो गीत सुनना चाहता हूँ।
फिर सुनाऊंगी। फिर नहीं वसंती, आज ही सुनाओ, अभी सुनाओ, गाओ ना। भाभी, क्या है रेखो? कुछ नहीं भैया, मैंने समझा भाभी अकेली हैं। कितनी बेवकूफ हूँ मैं, हमेशा ही बेवक्त आ जाती हूँ। मुझे सुनने की फुर्सत नहीं है, कागज मिल गया। देखो तू। अच्छा भाभी, अब मैं चलूं। गाना क्यों बंद कर दिया? तुम रो क्यों रही हो? बहन की याद आ गई। बहन बहन बहन, हर वक्त बहन। मालती क्या मर गई जैसे मैं मर गया हूं? वो तुम्हारे लिए मैं कर भी जिंदा है और मैं जिंदा रहते हुए मुर्दा हूं। वसंती, उसे भूल जाओ वसंती, वरना मेरा दम घुट जाएगा। क्या क्या उसके सिवा तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं? उसके लिए तुमने मेरा सुख, मेरी खुशी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। खबरदार, जो फिर कभी इस कलंकनी का तुमने नाम लिया मेरे सामने। तू मेरी जगह नहीं ले सकती, वो तुझे नहीं मुझे प्यार करते हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी,
दरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले, पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी दरा दर्पण में। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी दरा दर्पण में। हो देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी दरा दर्पण में। तुझे कोई प्यार नहीं कर सकता, तुझसे सब नफरत करते हैं, तू कलंकनी है। तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं, तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं, तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। कहाँ जा रही है तू? मालती नहीं वसंती, अगर तू यहाँ से मालती बनकर जाएगी तो लोग कहेंगे वसंती भी भाग गई, दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी, लोग तेरे बाप का जीना मुश्किल कर देंगे। तू अब खड़ी सोच क्या रही है? तू यहाँ से भाग भी नहीं सकती, तू यहाँ रह भी नहीं सकती। अब तेरे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, रमेश को साफ साफ बता दे कि तू वसंती नहीं मालती है। दिल ना पिस जाए इन तलमों तले। कोई सीटी सुन लेता तो? तुम्हारे सिवा कौन सुनता?
और कोई देख ली तो फिर रातें मिलने की जरूरत ना रहे। मेरा मतलब है दुनिया हम दोनों को लगन मंडप में देखे। अच्छा अगर यहाँ से कहीं बाहर चले तो? और अगर वहां से वापस ही ना आए तो? रेखा कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, तू यहाँ क्यों आया? मैं तो भाभी, भाभी ये मुझसे मिलने आए हैं, ये मुझसे शादी करना चाहती है। शादी? हाँ भाभी। रेखा छोड़ दे इस हाथ को, ना जाने कितनी कलाइयां टूट चुकी हैं इस हाथ में। ये हाथ हमेशा रेखा का साथ देगा। मुझे इन पर पूरा भरोसा है भाभी, इस भरोसे में धोखा है, फरेब है, मकारी है। आप मुझे गलत समझ रही हैं बसंती देवी। ठीक समझ रही हूँ, अच्छी तरह पहचानती हूँ तुझे। तेरा नाम अनोखे है ना? जी हाँ। मालती को जानता है? जी नहीं। अच्छा वो पैरामाउंट होटल याद है? वो 6 नंबर का कमरा, वो गहने, वो नौकरी। पैरामाउंट होटल, गहने, नौकरी, ये आप क्या कह रही हैं और किससे कह रही हैं? अनोखे से। तो क्या वो अनोखे मैं हूँ? कमाल, रेखा जवाब नहीं तुम्हारी भाभी का भी। अजी मेरा जुर्म तो सिर्फ इतना है कि बदकिस्मती से मेरा नाम भी अनोखे है। हाँ भाभी, अनोखे नाम तो किसी और लड़के का भी हो सकता है। मैं इस अनोखे से कह रही हूँ जो मेरे सामने मेरी ही आंखों में धूल झोंक रहा है। वसंती देवी, तू वसंती को धोखा दे सकता है लेकिन मालती को नहीं। कमीने, पहचान रहा है। मालती? हाँ मालती, पहचाना? पहचाना है। तो तुम वसंती नहीं मालती हो, वो बदनाम मालती जिसे सारा शहर पहचानता है, जिसने उस बेचारे अनोखे को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा कर धोखा दिया, जिसने अपने काले माथे पर अपनी बहन के खून का टीका लगाया, और अब वही मालती इस घर में वसंती का रूप लेकर रमेश की बहू का नाटक खेल रही है। रेखा ये तुम्हारी भाभी नहीं, कलंकनी मालती है। हाँ, मैं मालती हूँ लेकिन अपनी बहन का फर्ज अदा करूंगी। मैं इस घर की लाज नहीं लूटने दूंगी। कमीने, चला जा यहाँ से। तू चली जा, तू खेली है हमारे घर की लाज से। तूने मेरे भाई को धोखा दिया, तूने सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी है। पापन, निकल जा यहाँ से। रेखा, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे भाई को धोखा दिया, बल्कि सारी दुनिया को धोखा दिया, मगर अपने आप को कभी धोखा नहीं दिया। मुझे मालती बनकर मरना मंजूर है लेकिन बसंती बनकर जीना मंजूर नहीं। मैं यहां से चली जाऊंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू इस बदमाश का साथ छोड़ देगी। इस पर कभी भरोसा नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। बस बन गए। मालती, इस पर थोड़ा जादू नहीं चल सकता। रेखा मेरी है और मेरी ही रहेगी, इसे कोई ताकत मुझसे अलग नहीं कर सकती। चलो रेखा। रेखा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हट जा आगे से। मालती देवी, तुम्हें अपने जुर्म का इकरार है, यानी तुमने अनोखे का खून किया? जी। मिलॉर्ड, मुल्जिमा खुले लफ्जों में अपने जुर्म को कबूल करती है, लिहाजा मुल्जिमा मालती को अनोखे का कातिल तस्लीम किया जाए। मिलॉर्ड, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मालती देवी को कातिल ठहराने से पहले इस बात पर गौर किया जाए कि इसने अनोखे का खून क्यों किया। मिलॉर्ड, ये साबित हो चुका है कि अनोखे एक बच्चलन लड़का था। भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देना ही उसका पेशा था। मालती देवी ने उसका खून करके समाज पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारे मुअज्जज़ सरकारी वकील की नजरों में मालती गुनहगार है, कातिल है। मी लॉर्ड, मेरी नजर में मालती देवी बेगुनाह है और बिल्कुल बेगुनाह। मैं अपने मोहतरम वकील को फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि मुल्जिमा अपने चाल चलन की रोशनी में गुनाहों की तस्वीर है। रात के अंधेरे में घर से भाग जाना, पैरामाउंट होटल के कमरा नंबर 6 में गुलछर्रे उड़ाना, अपनी बहन की मौत से फायदा उठाना, वसंती बन के मिस्टर रमेश को धोखा देना, मीराज, क्या ये सब बेगुनाही के सबूत हैं? जज साहब, कसूर इसका नहीं, कसूर मेरा है। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने इसे मालती से वसंती बनाया, मैंने इसे रमेश के घर जाने के लिए मजबूर किया। सजा मुझे दीजिए, मुझे सजा दीजिए, भगवान के लिए इसे छोड़ दीजिए। ऑर्डर, ऑर्डर। ये ममता की आवाज है मीलॉर्ड, जो अपनी बेटी के ऐप पर पर्दा डालना चाहती है। अदालत इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि मालती को वसंती बनाने में उसकी माँ का भी हाथ था। अदालत की नजरों में इसकी माँ भी गुनहगार है,
लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा कि मालती को दूध पीती बच्ची नहीं थी जो इसे कोई भी बहका ले। इसने अपनी अकल की चालाकी से अपनी बहन के हमशक्ल होने का पूरा पूरा फायदा उठाया और इस भेद को सिर्फ रोके जानता था मिलाद। लिहाजा साफ जाहिर है कि इस रात के खुल जाने के डर से मालती ने अनोखे का खून किया। यह झूठ है मिलाड। मालती ने अनोखे को खुद बताया कि वह असंती नहीं मालती है। मालती ने मेरी बहन को उस बदमाश के पंजे से छुड़ाने के लिए, हमारे खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसका खून किया। जुर्म किसी भी शक्ल में किया जाए जुर्म ही रहता है। मुल्जिमा ने कानून को अपने हाथ में लेकर एक इंसान का खून किया है जबकि एक गुनाहगार को सजा देने का कानून को। मिलाड, कानून उस वक्त हाथ में लिया जाता है जहां उसके पहुंचने में देर होती है, जहां गुनाह पहले होता है और कानून बाद में पहुंचता है। मिलाड, अगर मालती अनोखे का खून न करती तो शायद मैं दो खून कर देता, अनोखे को दुनिया से मिटा देता और अपनी नालायक बहन के खून से अपने हाथ हंग लेता। मालती बेकसूर है मिलाड। अदालत की कार्रवाई में दखल देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मिलाड, अनोखे समाज और सोसाइटी के जिस्म पर एक भोड़ा था, एक धब्बा था। मालती ने उसको हमेशा के लिए खत्म करके एक इंसान का नहीं एक शैतान का खून किया है। उसने साबित कर दिया है कि एक हिंदुस्तानी औरत अपनी जान की परवाह न करते हुए भी किस तरह शैतानियत का गला घोंट सकती है। इन्हें अदालत से बाहर ले जाओ। मिलाड, अगर कानून ने आज मालती को सजा दे दी तो इंसानियत का खून हो जाएगा। मिलाड, बेगुनाह की फरियादें दब के रह जाएंगी। मालती जैसी हजारों बेगुनाह लड़कियां ना इंसानी के अंधेरे में दम तोड़ देंगी। ना समाज रहेगा ना कानून रहेगा। अब मैं मुअज्जज जूरी की राय जानना चाहता हूं। मालती देवी, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी नहीं। हमें मालती देवी से हमदर्दी है, लेकिन कानून की नजरों में मुल्जिमा पर कत्ल का इल्जाम हर तरह साबित हो चुका है। लिहाजा मुअज्जज ज्यूरी की राय से इत्तफाक करते हुए मुल्जिमा को 7 साल की सजा दी जाती है। मुझे अफसोस है कि कानून और समाज ने तुम इन सलाखों के पीछे लाखड़ा किया है। काश मैं तुम्हें बचा सकता मालती। तुम चुप क्यों? किस मुंह से बात करूं? मैं असल मुजरिम तो तुम्हारी हूं। मैंने वासंती बनकर न सिर्फ खुद को बदनाम किया बल्कि औरत जाति को बदनाम कर दिया। मैं वो गुनहगार हूं जिसे समाज कभी माफ नहीं कर सकता। रमेश बाबू, मेरी सजा मेरी खता से बहुत कम है। काश मुझे फांसी की सजा हो जाती। पछतावे की आग मुझे आखिरी सांस तक जलाती रहेगी। ऐसा ना कहो मालती, तुम अपनी लगाई हुई आग में खुद जलती रही लेकिन दूसरे को न जलने दिया। तुम मेरे घर में जहर उगलने आई थी लेकिन अमृत की वर्षा करके चली आई। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया। ये तो मेरा फर्ज था। मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी अगर मोहब्बत के झूठे जाल में फंसने वाली लड़कियों में से एक भी लड़की मेरी बदनाम जिंदगी से सबक सीख ले कि सच्ची मोहब्बत शादी से पहले नहीं, शादी के बाद होती है। वक्त हो गया। अच्छा मालती, thank you.
मालती, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे कहां ले जाओगे? मुझे मेरे लिए भी कोई जगह है इस दुनिया में? वसंती की जगह अब तक खाली है मालती, उसे सिर्फ तुम ही ले सकते हो। चलो अच्छा हुआ इनकी शादी हो गई, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। जब भी किसी की शादी देखता हूँ अपना जमाना याद आ जाता है, जी करता है तेरे से फिर एक बार शादी कर डालूं। अरे अरे, कोई